बात कर रहा हूँ। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच खेला जाने वाला, उसके बाद में कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि तीसरा और डिसाइसिव हो सकता था अगर इंडिया वो मैच जीत जाती तो। लेकिन इंडिया वो मैच नहीं जीती, ऑस्ट्रेलिया जीती और क्या खूब जीती है, 223 रन चेस किया। एक तरफ लग रहा था कि आसानी से इंडिया उसको डिफीट करा देगी, 4 पैसा रेट लगती है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जीती। उन्होंने ओपन अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया फ्री में, और इससे बड़ा जैकपॉट हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट लगाना का जैकपॉट जुड़वा के लिए आप जाइए वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी फ्री में अपडेट चाहिए तो राठौर प्रेडिक्शन 0 से दिख रहा हूँ, यहाँ पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उससे अच्छा है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो आप, या फिर मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करो 5 4 5 2 5 2 3 3 या व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दे, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और देखिए ये फोर्थ T20 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स, अगर इंडिया जीतेगी तो सीरीज जीत जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो 2 ईच लेवल अप हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है मैच, इंडिया ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रही है। ये मैच खेला जाएगा सही बीट टीम उदयपुर में, 1 दिसंबर को मैच है, 7 तारीख को मेरे भाई। तो ये आगे चलते हैं, वेदर कैसा मैच पूरा होगा नहीं होगा, 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ से हो रहा है, निगेटिव है, निगेटिव 33% है, बदलू फैक्टर यहाँ भी प्रिवेल करेगा, जितने भी मैचेज हो रहे टीम पर काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। बॉल एकदम गीला हो रहा है, बैटिंग करना आसान हो रहा है, चीज आसान हो रहा है, इतने बड़े बड़े टारगेट हर मैच में 200+ रन का टारगेट लगा, जिसमें से 2 में से 3 में से 2 बार डिफेंड हुआ, 1 बार ही चेज हुआ है। और ये भी वैसे वैसे ही हाई स्कोर लगेगा, फ्लैट टेक है, अनदर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देख सकते हैं, और चेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हेड टू हेड बात कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में 19 मैच हुआ है, जहाँ पे इंडिया 17 जीती, ऑस्ट्रेलिया 10 जीती है, और दूर दूर रहता है। फर्स्ट बैट करते हुए इंडिया 6 जीती है, चेस करते हुए पसंद है इंडिया को 17 11 बार, सेकेंड बैट करते हुए जीती हुई ऑस्ट्रेलिया 4 बार फर्स्ट बैट और 6 बार चेस करते हुए, दोनों की टीमें दूसरे एक लाख चेस करते ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। अब इंडिया में दोनों के बीच में 13 मैच हुआ, जहाँ पर 8 बार इंडिया जीती, ऑस्ट्रेलिया 4 बार जीती और 1 मैच नो जर्स है, तो इंडिया काफ़ी डोमिनेट कर रही है अपने होम वेन्यू। लास्ट 5 गेम का बात करेंगे तो इंडिया 4 जीती, ऑस्ट्रेलिया 1 जीती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया का लॉस है ये मैच, फिर विन है, विन है, नो जर्स है, विन है, विन है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे विन है, फिर लॉस है, लॉस है, विन है, विन है, विन है। तो लास्ट 6 मैच में यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो इंडिया 1 मैच हारी है, 4 जीती, 1 नो रिजल्ट खेली है वहीं पर। ऑस्ट्रेलिया अगर लास्ट 6 मैच में मारे तो ये भी 4 जीती है, तो दोनों टीम 4 मैच जीती है, इंडिया 1 ही मैच हारी है, 1 नो रिजल्ट खेल के हारी है, ठीक है। तो दोनों ही टीम अच्छे फॉर्म में, और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया की तरफ से। नहीं है वास्तव में जैसे पूरा जाए बड़ी शांति प्रसिद्ध किस्त है, अवेश खान ने अच्छा बॉलिंग किया आज के मैच में, तो वही खेल के देखने को मिलेंगे आज के मैच में। अब आगे देखते हैं, बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलेंगे मैच, ट्रैविस हेड यहाँ पे आ गए हैं, ट्रैविस हेड ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे के मैच इंपॉर्टेंट मैच अब होने वाला है, मैथ्यू शॉट नहीं खेलेंगे, एरोन हारी खेलेंगे, जॉस इंग्लिस, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, क्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, शॉन एवर्ट की जगह यहाँ पे आपको अच्छा बॉलिंग किया केन रिचर्डसन, और डेप्थ के अच्छे बॉलिंग, पता नहीं आज क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि कैप्टन सिर्फ मैथ्यू वेड ने किया, लास्ट ओवर करवाया मैक्सवेल से, अगर करवाना ही तो अगर निकलवाना तो पहले निकलवा सकते थे, लास्ट ओवर 30 रन करवाया उन्होंने, हालांकि जीत लिया ऑस्ट्रेलिया मैच, लेकिन मतलब वाहियात डिसीजन था, कैप्टन सिर्फ सैकड़न लगाया है, मैथ्यू कैप्टन यहाँ पे कैप्टनसी रोल कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता था, कितना भी रन अगर खाता तो 30 रन भी खाता केन रिचर्डसन, 15 रन बहुत हो गया, 18 रन, 20 रन भी खाता तो बहुत मैक्सिमम रन था, क्योंकि वो अच्छा एक डेप्थ बॉलर स्पेशलिस्ट है। और 3 ओवर में उन्होंने कितना 34 रन एक विकेट दिया, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे एरोन हार्डी खिटा गए थे 4 ओवर फेंकवा के। नेथन एलिस, एडम जैम्पा खेल सकते हैं, तनवीर सांगा, ठीक है, तनवीर सांगा की जगह ही हो सकता है कि एडम जैम्पा खेल जाए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल में, तो देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल आज के मैच में नहीं चले, 6 रन इनके कंट्रीब्यूशन था, उससे पहले 53 21 0 118, अप एंड डाउन है, एक मैच चल रहे नहीं चल रहे, तो ये मैच अब चल सकते हैं, चांस बन जाएगा, कैप्टन ले लीजिए, बहुत फास्ट खेलना चाह रहे हैं, रोहित शर्मा का रोल निभाना चाह रहे हैं, थोड़ा रुक के खेलेंगे तो बहुत अच्छा प्लेयर बड़ा खेल सकता है, ग्रैंड लीग में अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। 2 मैच से 74 रन है हेड टू हेड में, 53 हाईएस्ट है, 37 एवरेज, ईशान किशन 0 पे आउट हो गए, फ्लॉप हो गए 2 मैच चलने के बाद, 52 58 27 6 1, 2 बैच 110 रन, 58 हाईएस्ट, 55 का एवरेज है इनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए आगे चलते हैं, ऋतुराज गायकवाड 123 रन आज कंट्रीब्यूट किया, सब आउट हो गए, इन्होंने परफॉर्म किया, लग भी रहा था करेंगे, ठीक है, स्लो है, कछुआ वाला चाल है, परफॉर्म कर रहा है प्लेयर,
8-8 का अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। उससे पहले 58-0, 40-25, 58, 2 मैच 58 रन, 58 नहीं प्लस 123 भी जुड़ी है इनका, तो टोटल हो जाता है 123 प्लस 58, तो 58 इधर हो गया और 181, टोटल 181 रन है इनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 3 मैच में। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, अच्छा प्लेयर भी है ये सूर्य कुमार यादव। आज 39 रन है, फिर 19-80-61 DNB 83, अच्छे फॉर्म में, 5 मैच में 214 रन है, 80 है 42 का एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तिलक वर्मा आज 31 रन मारा इन्होंने, फिर 2 रन 12 रन 55 रन 2 रन 1 विकेट 1 रन है, 2 मैच 19 रन है, 12 हाईएस्ट है, 19 का एवरेज। अक्षर पटेल बैटिंग नहीं मिला आज भी, 2-13 DNB 1 विकेट 0-0-1-1, 5 मैच 8 रन है, 6 हाईएस्ट, 4 का एवरेज और 9 विकेट है। बॉलिंग अच्छा कर रहा है, किफायती भी है, लास्ट ओवर छोड़ के अगर बात किया जाए तो उससे पहले अच्छा बॉलिंग इन्होंने किया है। रिंकू सिंह बैटिंग आज नहीं मिला, 21-22 DNB 37-38 2 मैच 53 रन 31 हाईएस्ट। रवि बिश्नोई 3 विकेट, उससे आज भी 2 विकेट निकाला, बहुत अच्छा किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक बॉलिंग कर रहे हैं, 1-1-3-1-3 2 मैच में अगर बात कर ले, 3 मैच में तो टोटल 6 विकेट है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मस्त एक प्लेयर रहने वाला है बॉलिंग डिपार्टमेंट में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हर्षदीप सिंह का बात करेंगे तो 1-1-1-0-1-1-2 2 मैच में 1 विकेट है। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत पिटा रहे हैं, इनको तो ड्रॉप कर देना चाहिए, इनसे बेटर ऑप्शन मुकेश कुमार है, तो प्लेइंग 11 हो सकता है, इनके साथ मुकेश कुमार को खिलाया जाए। 21 रन नहीं डिफेंड हुआ, बताइए। 3-1-2-2-0 2 मैच में 4 विकेट, मुकेश कुमार नहीं खेलेंगे तो इनको हटा के चल सकते हैं। अवेश खान अच्छा बॉलिंग किया है, 1 विकेट भी था शायद, उनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू, तो जॉस इंग्लिश आज भी नहीं चले, उससे पहले भी नहीं चले, 2 रन 110 42 2 1 4 मैच 153 रन 110 हाईएस्ट है, 38 का एवरेज 100 है, प्लेयर अच्छा है, पिक कर सकते हो। ठीक है, मार्कस स्टोनिस का बात करें तो आज 17 रन 45-7-37 DNB और 6। ट्रेविस हेड खेलेगा आज भी, 35 रन कंट्रीब्यूट किया है, बॉलिंग भी कर सकता है, मैक्सवेल जैसा प्लेयर है, नो डाउट बहुत अच्छे फॉर्म में, जरूर पिक कर सकते हैं उनको और पिक करना भी चाहिए। अगर खेलते हैं तो हेड टू हेड में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी 2-2 करना और लास्ट मैच में लेके जाना, वहां पर डिसाइसिव खेलेगी कि कौन सी टीम जीतने वाली है। स्टोइनिस 1 विकेट 0-2 DNB 3 9 मैच 138 रन 45 का हाईएस्ट 35 का एवरेज और 4 विकेट है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं टीम डेबिट, आए और गए 0 पे आज, उससे पहले 37-19-1 DNB 64, इनका बेसिकली रोल है फिनिशिंग का, तो ये ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करके जा नहीं सकते, पॉइंट उतना नहीं दे सकते, 5 मैच 130 रन 54 हाईएस्ट 32 का एवरेज है। वेड आज अच्छा खेला, इन्होंने 28 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, मैक्सवेल पर डिपेंड करता था, थोड़ा प्रेशर हटाया इन्होंने, और अक्षर पटेल को ओवर को काफ़ी बड़ा बनाने में इनका ही मदद है। 2-2-4-21-5 इनका भी रोल फिनिशिंग का रहने वाला है, 11 मैच 230 रन 64 हाईएस्ट 23 का एवरेज है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर 104 रन आज भी है, 12-54-13-23-28-0 DNB 2-1 DNB 20 मैच 21 मैच मान लीजिए आप, 554 रन है इनका इंडिया के खिलाफ, 113 हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 30 का एवरेज और विकेट भी है, 4 और 100 है। ठीक है, शॉन अबॉट नहीं खेलेगा, हटा के चल सकते हैं, केन रिचर्डसन खेल सकते हैं, 1 विकेट भी निकाला है उन्होंने आज। नेथन एलिस मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उससे पहले 3-0-0-3-0 3 मैच में 6 विकेट है। कांगा आज अच्छा बॉलिंग नहीं किया, उतना विकेट लेस रखे, उससे पहले विकेट लेस 2-1-4 2 मैच में 2 विकेट है। ठीक है, एडम जेम्पा हो सकता है, इंपॉर्टेंट मैच है तो खिलाया जा सकता है, और पिच पे भी डिपेंड करेगा, अगर पिच स्पिनर फ्रेंडली होता है तो जरूर उनको खिलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैप्टन के लिए बात कर लेते हैं, वाइस कैप्टन का बात कर लेते हैं, हेड टू हेड और फ्रेंडली में कौन सा प्लेयर रहने वाला है। सबसे पहले मैं इंग्लिस और ईशान किशन को पिक कर रहा हूँ, बहुत इनफॉर्म प्लेयर है, उसके बाद स्टीवन स्मिथ नहीं खेलेगा तो यहाँ पर ट्रेविस हेड के साथ आप जा सकते हो, मस्त पिक प्लेयर रहेगा। यादव के साथ गायकवाड़, जायसवाल, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, मैथ्यू शॉट नहीं खेलेगा तो इनको हटा के चल सकते हैं। ठीक है, इनके जगह आपके पास ऑप्शन एरन हार्डी के हैं तो एरन हार्डी को जरूर पिक करिए, जो 4 ओवर बॉलिंग भी करके देगा, ओपन भी करेगा, अच्छा प्लेयर है, बिग बैश में बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, विकेट भी आज निकाला है और रन तो उतना नहीं लगा लेकिन इन्होंने 3 चौके मारे जरूर, तो जरूर उनको पिक करिएगा, नेथन एलिस और रवि बिश्नोई। बाकी कैप्टन के लिए हेड टू हेड में बात करें तो जायसवाल मुझे लग रहा है इसमें से परफॉर्म कर सकते हैं, इनका एक मैच ऐसे ही चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है नहीं परफॉर्म कर रहा है। दूसरा जॉस इंग्लिश 2 मैच से नहीं चले, इस मैच में चलने की संभावना पूर्णतः इनकी बन रही है। बाकी अगर बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग में, तो ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर अगर ट्राई करना है
तो मुझे लग रहा है कि ईशान किशन नेक्स्ट मैच खेलेंगे, कैप्टन बना के चल सकते हैं, और वाइस कैप्टन यहाँ पे मैक्सवेल परफॉर्म कर सकते हैं। इनको बॉलिंग भी दिया जाएगा और बैटिंग भी ये करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कॉन्टेक्ट करिएगा 7428 5257 6 7 पे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैच से रिलेटेड कुछ भी चाहिए इस पर कॉन्टैक्ट करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। आज जैसे डेमो दिया, 4 पैसे का घोड़ा उड़वा के सेशन दिया था, तो जाके जरूर ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मोबाइल अभी, टेक केयर, गुड नाइट।